आगरा में बीती रात 3 बजे राजस्थान के धौलपुर से बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर आ रहे थे। जागनेर पुलिस ने पीछा किया तो खनन माफिया और उसके गुर्गे वाहन लेकर खेरगढ़ की ओर भागने लगे। पुलिस की घेराबंदी देखकर खनन माफिया और उसके गुर्गे ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। आगरा में खेरागढ़ जागनेर सीमा पर खनन माफिया और उसके गुर्गों ने मंगलवार की आधी रात को पुलिस पर हमला बोल दिया। धौलपुर से बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर को लेकर आ रहे खनन माफिया और उसके गुर्गों ने घेराबंदी करने पर पुलिस पर गोलियां चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर हमलावर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर राजस्थान सीमा में भाग गए। एसीपी खेरागढ़ महेश कुमार ने बताया है कि पुलिस ने बालू से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। खनन माफिया और उनके गुर्गों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, आज खैरागढ़ सर्किल की पुलिस के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया है, जिसमें खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 5 चंबल ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है, पकड़ा गया है। इस दौरान रात्रि की घटना है। इसमें खनन माफिया के द्वारा पुलिस पर फायरिंग भी की गई, जिसके जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, लेकिन पुलिस के सभी जवान सुरक्षित हैं, जिसमें हमने 5 ट्रॉली पकड़े हैं। और जो माफिया भागे हुए हैं उनके लिए अभी भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, आगे कार्रवाई भी जारी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।